नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोग का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते खेलते जो आपकी स्क्रीन है फ़ोन की, वो अगर ब्लैक हो जाती है या फिर जो है आपका ब्लैक होके जो है आपका फ़ोन जो है ऐसा लगता है जैसे मेरा फ़ोन बंद हो गया और काफ़ी देर तक आपका फ़ोन ऑन नहीं होता, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को जो है कैसे आप इसको जो है फिक्स कर सकते हैं, दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें दोस्तों। तो ब्लैक होने का कारण ये दोस्तों कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अभी मेरा भी कुछ टाइम पहले ब्लैक हुआ था एक टाइम के लिए, तो मैंने उसको फिक्स किया था। बट बार बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है। तो वो होता है क्या दोस्तों कि हमारा स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और कॉल ऑफ ड्यूटी की जो नई अपडेट आई है तो अगर आपने अपडेट नहीं किया तो प्लीज़ उसे कर ले, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं खेल करते हैं और पुराना वर्जन खेल रहे हैं तो पुराने वर्जन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारी कोई फाइल करप्ट हो जाती है तो हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी सही से वर्क नहीं करता, लेकिन वो प्रोसेस चलता रहता है। तो प्रोसेस चलने के कारण जो है वो एडिशनल फाइल्स जो अपनी लेती है वो मिलती नहीं है, तो ये स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाती है। मतलब एक तरह से बोली जाए तो इसकी जो स्क्रिप्ट है जो जिसके ऊपर जिन कोडों पर ये बनी हुई है कॉल ऑफ ड्यूटी, वो एक तरह से करप्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारी बाइनरी कोड्स जो है वो हट जाती है, तो हमारा ये जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाता है। क्योंकि हर सॉफ्टवेयर जो है वो किसी न किसी कोड से ही बनता है, कुछ ना कुछ कोडिंग से ही बनती है, तो कोडिंग जो है मतलब करप्ट होती है तभी कुछ ऐसा सीन हमारे साथ क्रिएट होता है दोस्तों। तो आपकी जो करना क्या है आपको, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, एक मेरा फ़ोन है उसके अंदर भी ऐसे ब्लैक टाइप का कुछ आता है, तो चलिए मैं उसको दिखाता हूँ कि कैसा ब्लैक स्क्रीन आता है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी ऑन कर रखा है बट ये मेरा ब्लैक स्क्रीन है, मतलब इसमें वर्क ही नहीं कर रहा है, इसी टाइप से ब्लैक स्क्रीन हो जाती है ऐसा लगता है। बट मेरा फ़ोन ऑन है दोस्तों, मैं बताऊं तो मेरा फ़ोन ऑन है, बट दिक्कत यही है कि ये ब्लैक स्क्रीन हो चुकी है और ये पता नहीं चल रहा कि वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अब और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है मैंने इस वाले जो अपना पावर बटन है इससे ऑफ़ कर दिया, ऑफ़ करने के बाद जब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूं तो ये इस टाइप का मैसेज आ जाता है। बट अगर मैं फिर से इसको ऑन कर देता हूं तो मेरा जो ब्लैक स्क्रीन है वो ब्लैक का ब्लैक ही रहता है। तो मैंने ब्लैक हो चुका था मेरा स्क्रीन, तो मैंने अपना पावर बटन ऑन करके इस तरीके से चेक किया कि मेरा फ़ोन कहीं बंद तो नहीं है, कहीं मेरा फ़ोन हैंग तो नहीं कर रहा। बट मेरा फ़ोन हैंग नहीं कर रहा है, वर्क कर रहा है, बट कॉल ऑफ ड्यूटी के कारण जो है वो स्क्रीन ब्लैक की ब्लैक हो गई थी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली दोस्तों मैं अपना फ़ोन फिर से ऑन कर लेता हूँ एक बार, वरना मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी फिर से वहीं पे आ चुका है शुरू वाले इंटरफेस पे, और ये फिर से ब्लैक हो जाएगा कुछ टाइम में। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने एक टाइम पे एक काम किया था, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे। मैंने सिंपली इसको मिनिमाइज़ कर दिया, और मिनिमाइज़ करके मैं गया था अपने सीधा कॉल ऑफ ड्यूटी पर, जहाँ जो कि मेरा ये है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली इसको क्लिक करके रखा था, और क्लिक करने पर मेरे कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है। तो मैं ऐप इंफॉर्मेशन पर गया, और मैंने यहाँ से क्या किया दोस्तों, मैं यहाँ पे पहले मैंने जाके स्टोरेज पेज के जाके सारा का सारा नीचे क्लियर डेटा कर दिया, ऑल क्लियर डेटा। ऑल क्लियर डेटा करने के बाद जो मेरा अपडेट नहीं हुआ था वो मेरा अपडेट भी हो गया, और फिर से यहाँ पे मैंने सारे परमिशंस चेक कर ली कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से ये मेरा एक परमिशंस जो है वो ऑफ था होम स्क्रीन शॉर्टकट का, तो और यहाँ पे शो ऑन लॉक स्क्रीन। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको भी एक्सेप्ट करके ठीक कर दिया है, और इसे भी ठीक कर दिया है। अब मैंने इन दो चीज़ों को ठीक करके और बाकी सारी चीज़ों को अनेबल करके मैं वापस अपने इसमें गया कॉल ऑफ ड्यूटी में, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा मेरा वो जो है जिसके कारण फाइलें करप्ट हुई थी वो सारा रिमूव हो चुका है, और बग्स जितने भी थे वो रिमूव हो गए। और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, और यहाँ से सारे परमिशन अलाउ कर देता हूँ ऑडियो का भी, और यहाँ से ये फिर से थोड़ा सा अपडेट लेता है। और जैसे ही यहाँ से मेरा फ़ोन अपडेट हो जाता है, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी मेरी अपडेट हो जाती है, तो बिल्कुल सही से वर्क करने लगा था। तो अगर आपका भी स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है और आपको लगता है कि जैसे मेरा फ़ोन बंद हो चुका है, तो आप भी इसको आजमा सकते हैं, आप भी इसको कर सकते हैं, और आप देखिएगा दोस्तों आपका भी फ़ोन जो है कॉल ऑफ ड्यूटी स्मूथ तरीके से वर्क करेगा और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।